तो व्हाट्स अप यूट्यूबर्स, हम निकल पड़े हैं हाईवे की तरफ आज दोबारा से। सो गाइस, आज हमने काफ़ी दिन बाद अपनी डोमिनार 400 को निकाला है रोड पे दोबारा से। इस बार हाईवे पे जाने के लिए इस बार हम कोई छोटी मोटी राइड नहीं करेंगे, इस बार हम सीधा हाईवे पे निकाल रहे हैं। और ऐसा नहीं है मैंने पहले भी हाईवे पे बाइक को निकाला है, बट इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू द एंटायर हाईवे जर्नी। तो आज मैं काफ़ी देर बाद निकला हूँ और थोड़ा सा हमें यहाँ ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, जो कि जायज़ सी बात है, बट वील कट थ्रू द ट्रैफिक, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। ये देखो भाई, अचानक से लेफ्ट काटने लगा। ओके, दिस इज़ द रीज़न फॉर द ट्रैफिक। एनी वे, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर सपोज टू बी डन इन द नाइट टाइम। आगे से लेंगे हम राइट और उसके बाद हम शॉर्टेस्ट रूट लेंगे हाईवे पकड़ने के लिए। सो लेट मी स्पीड अप अ लिटिल बिट बिकॉज वी आर रनिंग अ लिटिल लेट ऑन द स्केड्यूल। तो भाई लग रहा है ट्रैफिक होगा नहीं कम, अब हमें शायद एक छोटा सा डीटूर लेना पड़े। हम यहाँ से लेंगे राइट। एक्चुअली ये स्कूल टाइम है जिस टाइम पे मैं निकला हूँ, सो आई डोंट वांट टू स्केयर द किड्स बाय स्पीडिंग अप माय बाइक, इसलिए मैं तेज़ नहीं भगा रहा हूँ। ये देखो भाई, इस तरीके की हरकतें लोग करते हैं सड़क पे चलते हुए, कूड़ा फेंक देते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे ये लोग आ रहे हैं कूड़ा फेंकते हुए सड़क के ऊपर। एक तो भाई ये देखो रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, बच्चों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, हेलमेट इनके पास है नहीं, तीन जने राइड कर रहे हैं और ये कूड़ा फैला रहे हैं सड़क के ऊपर। आई डोंट नो व्हाट वी अचीव फ्रॉम सच थिंग्स, शहर को गंदा करना, ट्रिपलिंग करना बिना हेलमेट के, रूल्स ब्रेक करना। आई गेस लोगों को शायद मज़ा आने लगा इन चीज़ों में, लोग सुधरना चाह नहीं रहे हैं आज के डेट में। सो दिस इज़ अ क्लियर पैच। एक्चुअली यहाँ पे कॉलेज पढ़ता है जिसकी वजह से रोड मोस्टली खाली रहती है और थोड़ी सी साफ़ भी रहती है, एक्सेप्ट फॉर द पैच दैट यू जस्ट सॉ बिहाइंड। अब ये रोड आपको एकदम साफ मिलेगी और यहाँ कर्व्स भी बहुत हैं, जो कि किसी भी राइडर के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ होती है कि बहुत सारे रोड में कर्व्स मिलना। दैट्स वेयर यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर बाइक एंड यू नो यू रियली एन्जॉय द राइड्स दैट यू डू। ओके, फाइनली पहला ग्रीन सिग्नल हमें मिला है। पहुँचते के साथ ही मेरे को तो ये लग रहा था कि रेड लाइट मिलेगी, क्योंकि हमें पीछे एक बार अपशगुन हो चुका है रेड लाइट लगने के बाद। सो मेरा ये मानना है कि अगर दिन में आपको पहली बार रेड लाइट मिली है ना, तो आपको पूरे रस्ते रेड लाइट मिलेगी। आई डोंट नो कितने लोग इस बात में बिलीव करते हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि अगर आप लोग भी कुछ ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा कुछ टोटका वगैरह है कि यार अगर एक बार रेड लाइट मिल गई तो फिर पूरे रस्ते रेड लाइट ही मिलेगी। ओके, सो दिस इज़ दैट मायापुरी फ्लाईओवर विच क्रॉसेस थ्रू रजौरी गार्डन। एंड आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सब टाइलों की, पत्थरों की दुकानें, पत्थर ही पत्थर मिलते हैं यहाँ दुनिया भर का। देखो भाई, रॉयल मार्बल, ये मार्बल, वो मार्बल, मार्बल ही मार्बल है। संगमरमर के पत्थर लगाइए अपने घर के अंदर, आप सब मिलेगा यहाँ। सो लेट मी जस्ट चेज थ्रू, कट थ्रू द ट्रैफिक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लेफ़्ट साइड की सर्विस लेन में चला जाऊँ कैसे भी करके, ताकि मैं थोड़ा सा इजीली यहाँ से बाहर आ जाऊँ, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है इस टाइम। लेट मी गिव एन इंडिकेटर फॉर द लेफ्ट साइड। देखो भाई, इंडिकेटर देने के बाद भी जो है लोग घुसने की कोशिश करते हैं लेफ़्ट से राइट से, ठुक जाएंगे भाई, पर एक मिनट रुकेंगे नहीं, ठुक जाएंगे, दूसरे की बाइक में घुसेड़ दो बस। रॉन्ग साइडर। सो गाइस, निकल आए हम ट्रैफिक से बाहर। पीछे कीचड़ भरी सड़क थी, गड्ढे ही गड्ढे, जहाँ की मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। ये गंदगी मैं आपको नहीं दिखाना चाहता था तो मैंने कैमरा को स्विच ऑफ कर दिया था। अब हम आ गए हैं, वी आर क्लोज टू नारायणा फ्लाई ओवर नाउ, सो आई एम गोइंग टू स्पीड अप अ लिटिल बिट। मैं नहीं चाहता कि मैं धीरे धीरे चलता रहूँ।
पावर में कोई कमी नहीं है भाई, डोमिनर की खींच के निकालती है ट्रैफिक से बाहर। अगर आप भगाने के मूड में हो और आपकी भगाने की कैपेसिटी है, ये बाइक आपको उड़ा के ले जाएगी। देखो भाई, इस बाइक की एबिलिटी ये है कि ये कार्स के साथ चल सकती है। चिड़िया नाल दे बाज लड़ावा। और क्योंकि बाइक्स का बॉडी टू वेट रेशियो काफ़ी कम होता है, इट्स प्रीटी ईजी टू पुल थ्रू द ट्रैफिक। सो अगर आप एक सिंगल राइडर हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़ा बहुत लगेज भी आपके पास है, इट्स ओके। डोमिनार जो है आपको 35 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देती है, जो कि विच इज़ मोर देन सफिशिएंट टू यू नो टेक यू थ्रू डेली कम्यूट। सो मुझे लगता है कि कम से कम इतना पावर तो किसी बाइक में आपको मिलना चाहिए, एटलीस्ट 35 न्यूटन मीटर्स इज़ अ मस्ट। एंड माई बिलीफ इज़ दैट एवरी बाइक शुड बी एटलीस्ट 400 cc। सो अगर आपका कोई डिफरेंट थाट है तो आप मुझे बता सकते हैं। हालांकि हर बाइक को चलाने का एक अपना अलग मज़ा होता है, 135 cc भी एक अलग ही मज़ा देती है आपको सिटी कम्यूट में, क्योंकि उसका टर्निंग रेडियस अच्छा होता है, उसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपको ओवरथ्रो कर दे। अनलाइक ए डोमिनार, डोमिनार में ऐसा है कि अगर आपके पास स्किल नहीं है, इफ़ यू आर नॉट फिट टू हैंडल इट, देयर कैन बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ राइडिंग इट। ओके, सो यू फर्स्ट हैव टू बी capable enough to ride a Dominar 400 or any other bike which delivers a 35 Newton meters of torque and 40 PS of power. So, bina bakwas kare, 2 minute apne traffic se nikal lein. सो टारगेट आज हमारा ये था कि हम दिल्ली कैंट से होते हुए जाते हैं, आप लोगों को थोड़ी सी ग्रीनरी दिखाते दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की, थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस होता आज कि हम वहाँ से निकलते। बट क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इट्स बेटर दैट वी कट थ्रू द चेज एंड टेक द धौला कुआं रूट, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट ओपन रूट फॉर बाइकिंग। हमारे सामने एक और डोमिनार चल रही है एंड आई बिलीव दिस इज़ अ 2016 मॉडल, क्योंकि साइलेंसर भी, हाँ आई गेस वही है क्योंकि साइलेंसर भी पहले वाला है इसका और एक कलर भी वाइट है। सो डोमिनार में अब वाइट कलर नहीं आता, देर आर जस्ट टू कलर ऑप्शंस इन डोमिनार 400 विच इज़ ग्रीन विच यू आर सीइंग राइट नाउ, एंड देन देर इज़ अ चारकोल ग्रे और ब्लैक, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट दैट्स अ मैट फिनिश, does not give a fuller appearance, it's not that great. So this is a signature color, this is a green color in Dominar 400, and this is, I believe this is my recommendation. If you ever buy a Dominar, go for the green color because that's a signature one. Oho, bhai ne blinkers bhi laga rakhe hain apni bike ke andar, hamare paas abhi bhi nahi hai kyunki Dominar 400 ke andar default mein pre-installed hazard lights nahi aati hain. सो अगर आपको चाहिए तो आपको एक डिवाइस परचेस करनी पड़ती है, आपको खुद से लगाना पड़ता है, ये भाई ने लगा रखा है। मेरा क्या है ना, मैं वायरिंग के साथ कोई पंगा लेना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मेरी आदत नहीं है ये लगाने की, बट हु नोज फ्यूचर में शायद मैं भी इंस्टॉल करा लूँ। आई जस्ट नीड टू फाइंड द यूटिलिटी फॉर इट, अगर मेरे काम का है तो ही मैं कुछ लगवाता हूँ, अदरवाइज आई डोंट बॉदर। जैसे ही ये स्पीड ट्रैप निकलेगा हम लोग भगाएंगे बाइक को, लेट्स कट थ्रू। चलो भाई डाउनशिफ्ट कर निकालो, ये लो भाई लो, हट जाओ सारे। जबरदस्त पावर है भाई, जबरदस्त। कोई भी अगर डोमिनार की रिकमेंडेशन मुझसे लेना चाहता है भाई, भाग के आओ। 400 सीसी सेगमेंट में अगर आपको कुछ दमदार चाहिए, निंजा जैसी पावर चाहिए आपको बजट में, गो फॉर इट। अंडर 3 lakhs आपकी ये बाइक आ जाएगी। अब थोड़े से रेट्स बढ़ चुके हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत है एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू रियलाइज द पावर दैट इट गिव्स यू, सो पीपल आर गोइंग फॉर इट एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न द रेट्स आर ऑल्सो गोइंग अप। सो गो चेक आउट फॉर योर सेल्फ, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एस्टिमेट कि 2,90,000 में आपको डोमिनार 400 जो है ऑन रोड पड़ेगी।
ऑल एक्सेसरीज इंक्लूडेड, बट देन उसके बाद आपका इस पर काफ़ी ज़्यादा और ख़र्चा होगा, mods and upgrades and stuff if you want to go for it, but I don't recommend a lot of mods because company is already offering a little too much I would say ki isme sab touring kit wagera sab installed aati hai, so no, we're going to take left from here Gurgaon ke liye. ये पैच मुझे सबसे बढ़िया लगता है क्योंकि यार यहाँ पे जो कर्व मिलता है ना हमें, बहुत ही बढ़िया फीलिंग है इस तरीके से बाइक चलाना एक बैंक्ड रोड के ऊपर. ये जो आप देख रहे हैं हल्की सी रोड उठी हुई, इसको बैंकिंग कहते हैं, और इस बैंकिंग के ऊपर बाइक चलाने में एक अलग ही मज़ा है अपना. बट यू ऑल्सो हैव टू बी स्किल्ड एट द सेम टाइम, यू नो, इफ़ यू डोंट फॉलो द बेसिक रूल्स ऑफ कॉर्नरिंग एंड लीनिंग द बाइक, तो ये आपको उठा के पटक देगी एक तरफ पे और कोई पीछे से आती गाड़ी आपको कहना नहीं चाहता मैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू फॉलो ऑल द रूल्स. सो ये आ गया सुब्रतो पार्क, जो कि धौला कुआं से थोड़ा सा आगे पड़ता है. हमें लेफ्ट साइड पे एयरफोर्स का बेस मिलेगा देखने के लिए. सो द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ दिस रोड इज़ फैंटेबुलस, इट्स वेरी सुपर क्लीन. एंड G4 के टाइम पे भी यहाँ पे काफ़ी सारे बैनर्स और फ्लैग्स लगे हुए थे अलग अलग कंट्रीज़ के. सो इट इज़ ए सीरीन एक्सपीरियंस व्हेन यू आर हियर ऑन दिस रोड अराउंड दैट टाइम. आप इस रोड पे आओगे आपको मज़ा आएगा. और ये रोड है थोड़ी सी भगाने वाली, तो मैं भगाऊँगा. ऑलराइट, लेट्स कट टू द ट्रैफिक अगेन. एक और डोमिनार, you know, people have started realizing the power. aur ab hum aa gaye hain finally highway ke upar. One second, here we go. बहुत ट्रैफिक है मेरे भाई, बहुत ट्रैफिक. घर से टाइम से निकलो वरना आप पहुंचोगे नहीं कहीं भी. अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 8 बजे के आसपास. आप देख सकते हैं कि IGI एयरपोर्ट के सामने जो है किस तरीके का ट्रैफिक होता है हाईवे पे. दिस इज़ नेशनल हाईवे, दिस इज़ व्हाट यू सी एवरी डे व्हाइल गोइंग टू गुड़गांव. Biking is the best kind of commute that you can get on a highway like this, especially on the Gurgaon highway. Agar hum expressway se aate to hamare ko bahut kam traffic milta, but then there are rules around it. So agar hum wahan se aate, ho sakta hai wahan chalan ho jata hai. Abhi naya bana hai highway aur thoda thoda wo log strict hona start ho gaye hain. Agar aap wahan pe bike laate ho, chances are that you might get caught. Dekho bhai, yahan railing hi nahi hai, koi dhyan na de raha to ladak hi jayega niche jaake seedha. भाई लोग, अभी एक बहुत ही मस्त चीज दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ. ये भाई का स्टाइल देख के बताना कि ये कौन सा स्टाइल है बाइक चलाने का. ये देखो ज़रा, नंबर प्लेट टूटी पड़ी है, इंजन गंदा हो रहा है पूरा, नीचे धागा लटक रहा है. भाई ये क्या तोड़फोड़ मचाई हुई है. और अभी ये भाई जो है दोनों टांगे नीचे हवा में लटका के तकरीबन 30 की स्पीड पर बाइक को चला रहा था. इट इज़ as risky as it is hilarious to watch people ride in that manner on a highway. bhai ye sab mat karo, main sabhi ko advice dunga, jo bhi koi dekh raha hai aur ye harkat kar raha hai, bhai mat karo is tarike se. either learn to ride properly or don't ride at all. kyun apni life ko risk mein dal rahe ho bhai, tumhare bhi parents ghar pe wait kar rahe hain. kyun aisi harkat karte ho mere bhai.
तो भाई लोग कभी कभी ये करना पड़ता है ट्रैफिक से निकलने के लिए, नहीं करोगे तो वहीं बैठे रह जाओगे जहाँ बैठे हो। लोगों को डराने में मुझे मज़ा तो नहीं आता, बट देन हटते ही नहीं यार, साइड ही नहीं देते मेरे भाई, पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को। हालांकि मैं केयरफुल हूँ बहुत ज़्यादा, साइड मिरर्स में देख देख के चलाता हूँ मैं, इसीलिए मेरे भाई साइड मिरर्स बहुत ज़रूरी हैं। लोग बात क्या करते हैं, नेकेड चलाएंगे भाई, ये ट्रैक नहीं है, तुम नेकेड करना चाहते हो बाइक को, शीशे वीशे उतार के सब कुछ ही उतार दो ना भाई, इंजन भी उतार दो बाइक का, इंजन भी क्यों रखते हो। नेकेड बाइक भाई, नेकेड बाइक तुम्हारे लिए नहीं है, नेकेड बाइक इज सपोज टू बी ऑन ट्रैक्स वेयर देयर इज नो नीड ऑफ सच एक्सेसरीज, आई वुड नॉट इवन कॉल इट एन एक्सेसरी, सॉरी। सो इट इज अ नेसेसिटी फॉर अ बाइक, बट देन इट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑन रेस ट्रैक्स मे बी, सो दे हैव स्मॉलर वाइजर्स, दे हैव स्मॉलर रियर व्यू मिरर्स, बट दे डू हैव रियर व्यू मिरर्स, वॉट दे डोंट हैव इज अ हेड लैम्प और अ टेल लैम्प विच आर नॉट सो नेसेसरी ऑन अ रेस ट्रैक, राइट। तो डिफरेंस समझो भाई, हर वक्त नेकेड की डिमांड मत करो, और अब क्योंकि खाली सड़क है अब हम भगाएंगे, सो लेट्स एन्जॉय द राइड। स्पीड ट्रैप आ गया भाई, लोग स्लो डाउन हो जाते हैं, हवा का चलान नहीं चाहिए अपने नाम पे हमें भाई, कुछ भी करो बट जहाँ रूल्स फॉलो करने एटलीस्ट वहाँ तो कर ही लो। हालांकि स्पीड लिमिट में चलना चाहिए, मैं किसी को भी मोटिवेट नहीं करूँगा रूल्स ब्रेक करने की फालतू काम करने के लिए, बट मेरे भाई बाइक ली है 400 cc की, तो कुछ तो करोगे इसके साथ, थोड़ा बहुत तो भगाओगे राइट, तो भगाओ भाई, ऐश करो, मजे करो, बट देन दूसरों को परेशान मत करो बस, और ना ही अपने नाम पे चालान करो। आई कांट स्टॉप अप्रिशिएटिंग द पावर दैट इट डिलीवर्स, द डोमिनार 400 इज एक्चुअली अ ट्रू 400 cc बाइक, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त सस्पेंशन, थ्रॉटल रिस्पॉन्स, पावर डिलीवरी, एवरीथिंग इज टॉप नॉच ऑन दिस बाइक गाइज, इट्स ए मस्ट बाय। अगर आपने मूड बना लिया है इस बाइक को परचेस करने का, देर मत करो, जाके ख़रीद लो मेरे भाई। मैं इस बाइक को 2.5 साल चलाने के बाद आपको ये रिस्पांस दे रहा हूँ, ये रिव्यू दे रहा हूँ दैट द बाइक इज़ ग्रेट। थोड़ी बहुत कमियाँ हर बाइक में होती हैं, आपको जैसे कि मैं अगर इसके कमियों के बारे में बताऊँ तो वो ये होंगी कि जो इसके अंदर वाइब्रेशन आपको फ़ील होती है इनिशियली वो ज़्यादा होती है। अगर आपने इससे पहले सिर्फ 200-250 cc बाइक चलाई है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चेंज होगा, क्योंकि हाथों में वाइब्रेशन जाएगी, एंड दैट्स व्हाई यू वेयर ग्लव्स राइट। अगर आप 400 cc बाइक या 650 cc बाइक चला रहे हो यार, वाइब्रेशन आना लाजमी है, उसके बारे में हम बात करेंगे ही नहीं भैया। अगर वाइब्रेशन से दिक्कत है बाइक ही चलाना छोड़ दो, ये ग्लव्स इसीलिए बने होते हैं कि आपको वाइब्रेशन में थोड़ी सी हेल्प करें, आपको एक स्टेबिलिटी दें, हाथों के लिए ग्रिप दें, ठीक है। गियर, क्लच, इन सब चीज़ों के ऊपर, लेवर्स के ऊपर आपके हाथ डटे रहें, इसके लिए आपके ग्लव्स होते हैं, उनके अंदर इनफ पैडिंग होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें नॉक्स प्रोटेक्शन भी है, उसमें लेदर का यूज़ किया गया, उसमें अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ किया गया ग्लव के अंदर पैडिंग। सो येस, लाइक आई वॉज सेइंग, इफ़ यू आर राइडिंग 400 cc एंड अबव, डू बाय अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स बिकॉज दैट्स अ मस्ट। गाइज अब हम ऑलमोस्ट मानेसर पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट
ये रास्ता पटौदी रोड को जाता है राइट हैंड साइड वाला, और ये हमारा एक टोल है जो मानसर आईएमटी का जो टोल है वो है, और यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से निकलेंगे। बाइक्स को यहाँ पे कोई टोल देना नहीं पड़ता। बाइक्स, थ्री व्हीलर्स ये सब बाइक्स और थ्री व्हीलर्स के लिए लेफ्ट साइड वाली लेन। यहाँ पे इंडिकेटर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग बिना इंडिकेटर के यहाँ पे टर्न लेते हैं और अक्सर यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अराउंड दिस रोड। और हमारे सामने एक जा रही है हार्ले, व्हाट, नो, दिस इज़ अ होंडा CB 350। माई ब्रदर यूज टू हैव दिस बाइक, द लुक एंड अपीयरेंस इज़ ग्रेट। इस बाइक ने शायद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी कराई है, कुछ और रेट्रो, एक विंटेज कैफे रेसर लुक देने की कोशिश की है, और भाई ने अपना पोस्चर भी वैसा ही बना रखा है, थोड़ा सा लेटा हुआ है भाई बाइक के ऊपर बट ओवरऑल लुक ऑफ द बाइक इज़ ग्रेट। और भैया हम तो स्पोर्ट्स टूरर हैं और हम आगे निकलेंगे। बेसिकली आज मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, ये चीज़ मैंने किसी को बताई नहीं शुरुआत में वीडियो के। आई एम ऑलमोस्ट एट माई ऑफिस नाउ, सो बस यहाँ से मुझे आगे से राइट लेना है एक फ्लाईओवर के नीचे से, जो कि IMT मानेसर मुझे ले जाएगा, एंड दैट वुड बी दी एंड ऑफ अवर ब्लॉग टुडे। आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट, एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक सच व्लॉग्स ऑन हाईवेज, ऑन स्मॉल रोड्स, ऑन स्मॉल पैचेस, एंड कंटिन्यू टू गिव यू अ गुड रिव्यू ऑफ द बाइक इटसेल्फ। सो टाइम आ गया कि मैं ब्लॉग को एंड करूँ। आई होप यू गाइज एन्जॉयड, एंड इफ़ यू डिड kindly don't forget to like, share and subscribe for this channel, and I will continue to give you more such content in future that you enjoy. Do let me know in the comment section as well if you like the content, or if you don't like the content, what should I change. I'm always open to feedback. Alvida kehne ka time aa gaya hai, yahan thodi si main off-roading karni padegi. Subscribe and share as much as you can with your rider friends. Until the next one, peace out.